नमस्कार सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कन्वेंशन सेंटर में जहाँ दृष्टि अम्बल फाउंडेशन का प्रोग्राम है। सर ये बताइए, जो आप की एकेडमी है गांधी जयंती पे, थोड़ा सा बोलिए। मैं रजत सक्सेना भारत एकेडमी विद्यालय का प्रबंधक हूँ और आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि वफा अब्बास साहब द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें मैं आमंत्रित था। वफा अब्बास साहब के द्वारा ये बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज दो दो महापुरुषों का आज जन्म जयंती है, उनको भी मैं सादर नमन करना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। और उनके मार्गों पर चलना, हमारे ये जो महापुरुष हैं उनके मार्गों पर चलना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमारी युवा पीढ़ी का भी परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके मार्ग पर चलें। आपने देखा होगा महात्मा गांधी मार्ग तो सब जगह है, ज़्यादातर शहरों में जी। जब हम उस पर चलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम, ये तो याद रहता है महात्मा गांधी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन रफ्तार में, आज के कलिकाल में रफ्तार में ये भूल जाते हैं कि हम महात्मा गांधी के मार्ग पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने का विषय है। और ये अपने मन में जब हम ऐसा सोच के चलेंगे कि हम महात्मा गांधी मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो महात्मा गांधी के मार्ग पर भी चलें, उनके सिद्धांतों पर चलें, सत्य और अहिंसा, इन अनुशासन, इनका अगर हम अनुसरण करें तो जीवन में कोई कठिनाई का सामना नहीं होता है। समस्या हमारे जीवन में तभी आती है जब हम अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलते हैं। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कोई समस्या नहीं आती, और अगर आती भी है तो ऊपर वाला धैर्य देता है कि आप उस पर जो है कठिनाइयों का सामना करें। ठीक, धन्यवाद सर।